आज हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन की तीसरी जो हमारे कंटेंट है उसके ऊपर। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो टेक्स्ट कंटेंट के तीसरे पार्ट पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले टेक्स्ट स्टार्ट, जैसे आपका लेफ्ट का फॉर्मूला राइट का फॉर्मूला जो होता है उसी तरह से यहाँ हम बात करते हैं टेक्स्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे TS नाम का एक बनाते हैं और यहाँ हम टेक्स्ट स्टार्ट का फॉर्मूला बताते हैं कि क्या करता है। टेक्स्ट स्टार्ट डॉट स्टार्ट, ये रहा टेक्स्ट स्टार्ट, सेलेक्ट किए। जब इसको सेलेक्ट किए तो यहाँ टेक्स्ट ऑलरेडी एक जुड़ा हुआ आ गया, तो इसको डिलीट कर दीजिए। स्टार लिखा हुआ है टेक्स्ट स्टार्ट और ब्रैकेट में मान लीजिए मैंने कोड जो है इस कोड को डाला और हम बोले कि मुझे लेफ्ट से मैंने स्टार्ट से 5 करेक्टर चाहिए। और जैसे ओके करेंगे देखेंगे कि स्टार्ट से 5 करेक्टर। जैसे नाम अगर आपने लिख रखा है उसका फर्स्ट नेम चाहिए होगा, उस केस में हम यूज करेंगे टेक्स्ट स्टार्ट का। अब बात करते हैं टेक्स्ट एंड। तो जैसे राइट का फॉर्मूला था उसी तरह से यहाँ पे होता है टेक्स्ट एंड का TE फॉर्मूला। जैसे मुझे किसी लेटर का एंड का, जैसे मान लीजिए मुझे कोड का है लास्ट के 4 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डॉट एंड का फॉर्मूला डाल। अब फॉर्मूला सेलेक्ट भी कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो स्टार टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा, इसको रिमूव कीजिए, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ हम कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम बोलते हैं 5 लेटर, तो लेफ्ट से वो 5 लेटर अलग कर देगा। तो हम जो बात कर रहे हैं पावर क्यूरी की फंक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख लेते हैं, बोलते हैं सर ये फॉर्मूला एक्सेल में नहीं मिल रहा है। बेसिकली ये पावर क्यूरी एडिटर के कस्टम जो होते हैं कॉलम उसके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं ना उसमें आपको मिलता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट इंसर्ट। टेक्स्ट इंसर्ट, तो टेक्स्ट, तो यहाँ पे TI और यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, रहा हमारा टेक्स्ट इंसर्ट। टेक्स्ट इंसर्ट, और इस टेक्स्ट इंसर्ट में हम यहां पे सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कोड को ही सिलेक्ट कर लिए, कोड जो है हमारा यहां से भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं और या फिर हम डायरेक्ट यहां से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। और हमने यहां बोला कि दूसरे नहीं चौथे लेटर से मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में 555 ऐड कर। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। देखिए ये चौथे करेक्टर से 4 टाइम जो 5 था वो यहाँ ऐड हो गया। तो सिंपली हम यहाँ पे टेक्स इंसर्ट कर दिए। अब इंसर्ट किए हैं तो हमें रिमूव तो करना होगा, तो अगला फॉर्मूला आता है टैक्स रिमूव का। इक्वल टेक्स्ट रिमूव, जैसे मैं कोड का फॉर्मूला डालता हूं यहां पे और मैं कोड में से 5 को रिमूव करना चाहता हूं। और यहां पे हमने क्लोज कर दिया, ये हमारा रिमूव हो जाए। लेकिन ये जो अलग करता है कर्ली ब्रैकेट में अलग करता है, ऐसे अलग नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको टेक्स्ट इन्हें वर्क ना करे तो आप यहां पे और रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट रिमूव रेंज ब्रैकेट ओपन में हमने यहां पे कोड दे दिया, कोड में हम कॉमा करके यहां बोलते हैं कि मुझे दूसरे लेटर रिमूव कर देगा एंड ओके कीजिए।
ये आपका यहाँ पे दूसरा लेटर जैसे 05E है, जीरो के जगह पे यहाँ पे देखिए 05, यहाँ F जो है तीसरे नंबर पे, क्योंकि ये ऑफसेट से वर्क करता है, इसलिए 0 1 2 3, 3 में जो F था इस F करेक्टर को इसने यहाँ पे रिमूव कर, टेक्स्ट रिमूव आया। अब बात करते हैं रिप्लेस। रिप्लेस फॉर्मूला, अगर आपको किसी लेटर को अनदर लेटर से रिमूव करना, रिप्लेस करना है, तो उस केस में हम रिप्लेस फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे मैं कोड में हमारा जो यहाँ मान लीजिए 8 है, 8 को हम 80 करना चाहते हैं, तो जाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ करते हैं टेक्स्ट रिप्लेस, यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में रिप्लेस का ऑप्शन आएगा रिमूव की जस्ट नीचे ब्रैकेट, यहाँ पे हम कोड को सिलेक्ट किए, कॉमा, हमने बोला इसमें टेक्स्ट रिप्लेस हुए कि 8 को 80 से रिप्लेस कर, एंड ओके। यहाँ देखिए 8 जो है 80 रिप्लेस हो गया, तो टेक्स्ट रिप्लेस इसके लिए यूज करते हैं। अब मान लीजिए मुझे कुछ ढूंढना है, तो क्या हम ढूंढ पाएंगे किसी टेक्स्ट के अंदर? जैसे कोड के अंदर ही हमें मान लीजिए कि डीसी को ढूंढना है कि इसमें डीसी है या नहीं, तो उस केस में हम जाते हैं अपना कस्टम पे और यहां हम हेडिंग देते हैं टीसी, और यहां एक फॉर्मूला आएगा आपको टेक्स्ट कंटेन। जी हाँ, टेक्स्ट कंटेन का फॉर्मूला आपको यहां आएगा कंटेंट्स। अभी टेक्स्ट एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटा देते हैं। टेक्स्ट कंटेन, इसके अंदर हमने बोला कि कोड कोड वाले टेबल में हम ढूंढना चाहते हैं कि डी और सी है या नहीं, तो ये रिजल्ट जस्ट ट्रू फॉल्स में देगा कि है या नहीं है, है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स में रिटर्न आपको करेंगे बस। तो इसी में बने रहिए, आगे के वीडियो में हम इससे अगली टॉपिक के बारे में और जनरल फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, तब तक इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लीजिए।